हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज छठ पूजा है, तो छठ पूजा को हम लोग मतलब किस प्रकार से प्रिपेयर किए आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा कि हम तैयार हो चुके हैं छठ घाट जाने के लिए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम लोग पहले फ़ोटो शूट कर लेते हैं पूरे फैमिली के साथ। ये हमारा फ़ोटो शूट आप लोग देख सकते हैं कि हम और हमारा भाई और दोनों बहन और उसका पति और भाभी और बाल बच्चे और मम्मी साथ में। आप हुए हम लोग आपके समक्ष में छठ घाट के पास पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मतलब बैठे हुए हैं छठ घाट माता को मतलब अर्घ देने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग पहले बैठ चुके हैं और यहां पर मेरे भैया जो हैं आपको समक्ष में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये मेरे बड़े भाई थे और साथ ही साथ ये मेरी जो छोटी बहन है और उनके जो हस्बैंड है यहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए मतलब भगवान के सामने मतलब प्रेजेंट हुए हैं। तो मैं इनका थोड़ा सा वीडियो क्लिप आपको इसमें प्रेजेंट कर देता हूं। और यहां आप देख रहे हैं कि अन्नी कुमारी यहां पर भ्रमण कर रही है। तो इस प्रकार से अन्नी अभी देखिए अपनी मम्मी के पास जा रही है। तो यहां पर बहुत भीड़ हो चुकी है, अब लगभग आधा भीड़ आ चुका हुआ है। और जैसे जैसे शाम होता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ते जाती है। आप लोग को पता ही होगा कि बहुत लोग शाम के समय में आते हैं और कुछ लोग हम लोग जैसे कि पहले ही आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा दूँ कुछ इस प्रकार से भीड़ मतलब हो चुकी है। अभी भी समय है, बहुत लोग आएंगे और ये सब आपको जो दिखने को मिल रहा है जो खाली है वो भी भर जाएगा। तो इस प्रकार से लोग आते रहते हैं और अपने पूजा मतलब स्थान पर ग्रहण करके और पूजा पाठ करते हैं। और हम लोग भी पहले अर्घ देने चलते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे का क्लिप दिखाने की कोशिश करूँगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूजा हो रहा है और हम लोग अर्घ दे लिए हैं। और यहाँ पर अर्घ देने के बाद जो पूजा पाठ होता है माता जी का, यहाँ पर देखिए मतलब किया जा रहा है। और वहाँ देखिए अन्नी की मम्मी वहाँ से देख रही है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि अन्नी की मम्मी अभी देख रही थी। देखिए पूरा आप लोग देख सकते हैं कि अन्नी की मम्मी वहाँ बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ की वो पतोह है तो इसलिए घूंघट में है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ देख सकते हैं कि हमारे घर के जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए थे। और यहाँ पर मैं बाहर का दृश्य भी दिखा दूँ आगे का, तो कुछ इस प्रकार से है। और फाइनली देखिए दोस्तों, हम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और अभी हम यहाँ पे बोल नहीं पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है। तो इसलिए हम लोग मतलब घर पर चल के आवाज़ को डाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अन्नी की मम्मी किस प्रकार से आरती कर रही है भगवान की। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आरती किए जा रही है भगवान की। और यहाँ पर आपके समक्ष में मैं दिखा दूँ तो मेरी छोटी बहन जो है पकड़ी हुई है आरती करने के लिए, क्योंकि गांव है तो मतलब उतना मतलब बिना घूंघट का तो रहा नहीं जाएगा। तो इस कारण से ये आरती कर ली है। और फाइनली हम लोग शाम हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे घर के बच्चे जो हैं वो मेरी जो डांस कर रही है वो मेरी बहन की लड़की है बड़ी बच्ची, और ये अंजलि। और आपके समक्ष में निधि देखिए साड़ी पहनने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा मोड़ा मस्ती ये लोग किए हुए हैं। तो इस प्रकार से अन्नी देखिए छुटछुड़ा मतलब छुटछुड़ी जो पटाखा होता है वो छोटे बच्चे जो छुटछुड़ी पटाखा फोड़ते हैं वो यहाँ पर छुटछुड़ी पटाखा फोड़ रही है। अन्नी की मस्ती आप लोग देख सकते हैं। और ये जो शाम का समय का जो दृश्य बहुत ही अनोखा लगता है और ये बिहार का सबसे महान पर्वों में से एक पर्व माना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ये शाम का समय हो चुका है और रात में आपको सब जगह जगमग जगमग दिए दिखाई दे रहे होंगे, लाइट दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आपको समक्ष में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से फुल वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग हमारे एक परिवार के हिस्सा हैं। पहले से भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और कमेंट करके अपनी राय जरूर भूलेगा कि जो हमने गलती की है क्या गलती किया है। और इस वीडियो को बनाने में तो आपको प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।